करेंगे मध्य प्रदेश की, जिसको मिल गया है उसका नाथ। ये तय हो चुका है औपचारिक तौर पर कि कमलनाथ ही होंगे एमपी के मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश में सत्ता की तस्वीर साफ हो गई है। दिल्ली में कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया की राहुल गांधी से मुलाकात के बाद कल रात में भोपाल में कमलनाथ की ताजपोशी का औपचारिक ऐलान हो गया है। ये बहुत बड़ा माइलस्टोन मेरे जिंदगी का है। भोपाल में कल रात 10:30 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें कमलनाथ को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। कमलनाथ के नाम का प्रस्ताव पर्यवेक्षक ए के एंटनी ने रखा। कमलनाथ ने सीएम पद की दौड़ में शामिल रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी तारीफ की। मुझे पूरी उम्मीद है मुझे सबका साथ मिलेगा। ये मेरा सौभाग्य है कि चुनाव के दौरान हर कांग्रेस के नेता ने मेरा साथ दिया। कमलनाथ आज 10:00 बजे राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। और मध्य प्रदेश में इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे यानी कि कमलनाथ का राष्ट्रतिलक आखिर हुआ कैसे, क्या कुछ रहा पूरा घटनाक्रम, आइए वो भी दिखाते हैं आप। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नाम पर मुहर लगने से पहले दिन भर हलचल तेज रही। दिल्ली से लेकर भोपाल तक कमलनाथ और ज्योतिरादित्य के समर्थक अपने अपने नेताओं को सीएम बनाने की मांग पर अड़े रहे। कल देर शाम तक राहुल गांधी के घर कई घंटों की मैराथन बैठक हुई, जिसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया और पर्यवेक्षक ए के एंटनी शामिल थे। बैठक के बाद राहुल गांधी की सिंधिया और कमलनाथ के साथ ट्वीट की गई तस्वीर ने कई सवालों के जवाब साफ कर दिए। राहुल ने टॉलस्टॉय को कोट करते हुए लिखा, दो सबसे ताकतवर योद्धा, धैर्य और वक्त। तस्वीर में कमलनाथ और सिंधिया के हाव भाव से साफ दिख रहा था कि बाजी किसने जीती है। जहां एक ओर कमलनाथ के चेहरे पर खुशी थी, तो सिंधिया के चेहरे पर खुशी थोड़ी फीकी सी थी। हालांकि बैठक के बाद सिंधिया ने किसी भी तरह की रेस से इनकार किया। इस बैठक के कुछ घंटे बाद भोपाल में कमलनाथ के नाम का ऐलान हो गया। चलिए अब एक नजर कमलनाथ के सियासी सफर पर भी डाल लीजिए। तस्वीरें आज से ठीक 39 साल पुरानी है, जब इंदिरा गांधी ने कमलनाथ को अपना तीसरा बेटा बताया था। 19 दिसंबर 1979 को छिंदवाड़ा में जनता से कमलनाथ का परिचय करवाते हुए कहा था, मैं अपने तीसरे बेटे कमलनाथ को आपको सौंप रही हूं, वो छिंदवाड़ा जिले की जनता की सेवा करेंगे। वहीं सीएम चुने जाने के बाद कमलनाथ इंदिरा को याद कर भावुक हुए और उन्होंने भी 39 साल पुरानी बात दोहराई। कल इंदिरा गांधी के पोते राहुल गांधी ने भी मध्य प्रदेश की कमान कमलनाथ को सौंप दी। कमलनाथ गांधी परिवार के 3 पीढ़ियों के करीबी रहे। संजय गांधी के साथ वो स्कूल से लेकर सियासी सफर तक तय कर चुके हैं, तो सोनिया और राहुल दोनों की टीम में फिट बैठते हैं। तो जिस छिंदवाड़ा में इंदिरा गांधी ने कमलनाथ को कहा अपना तीसरा बेटा, उस छिंदवाड़ा में जश्न का माहौल है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की हैं, जहां भावी सीएम कमलनाथ के समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। नतीजों के बाद से ही छिंदवाड़ा में कमलनाथ के समर्थकों को विश्वास था कि कमान उन्हें मिलेगी, लेकिन औपचारिक ऐलान के बाद मानो छिंदवाड़ा में दिवाली लौट आई हो। सर्द रात में भी समर्थकों का उत्साह कम नहीं दिखाई दिया। समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी की और ढोल नगाड़ों में जमकर झूमे और चारों तरफ एक ही आवाज थी, कमलनाथ जिंदाबाद। कमलनाथ के समर्थकों ने भोपाल में भी कांग्रेस दफ्तर के बाहर खूब जश्न मनाया। और देखिए कमलनाथ का नाम सामने आते ही 84 के दंगों का जिन्न फिर से निकल कर बाहर आ गया है। बीजेपी के नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने कहा है कि अगर कमलनाथ सीएम बनते हैं तो वो अमर अनशन करेंगे। मध्य प्रदेश में कमलनाथ को सत्ता मिली तो 1984 सिख दंगों का जिन्न एक बार फिर बाहर निकल गया। दंगों में कमलनाथ का नाम वक्त वक्त पर उछलता रहा है। अब बीजेपी के दिल्ली प्रवक्ता तेजिंदर बग्गा ने कमलनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 3 सिखों को जिंदा जलाने का काम कमलनाथ ने किया, वहाँ पे वो 3 घंटे तक मौजूद थे। उस रिपोर्ट के अंदर जो चश्मदीद गवाह थे, जो उस समय के न्यूज रिपोर्टरों से उन्होंने गवाही दी, वहाँ के SHO ने गवाही दी। साथ ही बग्गा ने कमलनाथ के शपथ समारोह के दिन आमरण अनशन का ऐलान कर दिया है। जिस दिन उनका शपथ समारोह होगा उसी दिन से मेरा अनशन चालू होगा। ये है ABP News, आपको रखे आगे।